बहुत बहुत सा हुआ टॉर्चर, हाँ कम नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि हम लोग इसके साथ थे। एक समय ऐसा था कि एकदम बिल्कुल ही टूट गई थी, जो आकांक्षा अथी कर रही थी वही वही डिसीजन ये भी ली थी, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा से संभाले, बहुत इसको समझाए आदमी, ना तो लग रहा था कि ये भी वही कांड कर देगी, लेकिन बहुत सपोर्ट रहा इसका। और मर्डर है या सुसाइड है उसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस फोटो देख रहे हैं जिसमें वो दिख रही है फंदा लगाते हुए, हम लोग वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो दिख रही है रोते हुए, तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि डिप्रेशन में बहुत ज्यादा वो थी। और अगर वो बहुत ज्यादा हैप्पी काम वगैरह सब कर रही थी, सब जगह से हैप्पी थी, बट रोना उनका कहाँ से आया, क्या ऐसा उनके साथ क्या ऐसा हादसा हुआ, हम लोग को लग रहा है कि कुछ अलग हुआ, जैसे कुछ उनके बॉयफ्रेंड कुछ किए या कुछ किए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बात कुछ और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि काम ना रोकने से, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री में भी कि वो बहुत ज्यादा काम रोकते थे, काम करना देते नहीं थे, तो लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सारे काम किए हैं। और रही बात कि काम तो तुम्हारा रोका गया था, हाँ, और रही बात कि उनके मर्डर का और रोने का, आप सोचिए कि वो रो रही थी, हो सकता है कुछ ऐसा हादसा हुआ उनके साथ जो वो किसी को बता नहीं सकती थी, और जिससे वो घबरा रही हो कि शायद ये खुल जाएगा तो मेरा क्या होगा, शायद ये भी वजह हो सकता है कि उनका रोने का। समर सिंह तो फरार है ना, बहुत दिनों से भागे भागे चल रहे हैं, आ नहीं रहे हैं सामने, तो लोगों का उंगली उन्हीं पे उठ रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि 21 तारीख को धमकी भी आया था, उनकी माता श्री का कहना है कि 21 तारीख को समर सिंह और उनके भाई द्वारा धमकी आया था कि तुमको लटका देंगे, तुमको गायब कर देंगे, और 25 तारीख को वो हादसा हो भी गया, तो आपको क्या लगता है इशारे समर सिंह की तरफ जा रही है? बिल्कुल इशारे तो जा ही रहे हैं, और मुझे जहां तक याद है कि बनारस में ही बनारस में ही खेसारी लाल यादव को मारने के लिए वो समर सिंह गए हुए थे बहुत सारे आदमी को लेके, जैसे खेसारी की टीम ने ही ये बात ओपनली कहा था, तो जब खेसारी लाल यादव को वो मारने के लिए धमकी दे सकते हैं या लोग लेके जा सकते हैं, तो ये बेचारी इनको इनको भी कुछ भी करा सकते हैं इनको भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबूत तो सारे इनके ही खिलाफ जा रहे हैं, तो लगता है? हाँ ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको नहीं लगता मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, आपको कैसा लगता है? नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, भोजपुरी के अलावा भी निजी जिंदगी में भी और नॉर्मल जिंदगी में भी लड़कियां सेफ नहीं है।